Hi guys, welcome to CAT 2024 complete information video. In this video, we'll talk about all the dates, basic overview about the CAT eligibility pattern, selection process, preparation part, cutoff, syllabus and colleges. Okay, so this video will be a little lengthy. If you will not understand anything, you can rewind the video, you can watch it again and share this video to all your friends, those who are targeting for CAT 2024. So आइडियल जो डेट है CAT की, जो एग्जाम की डेट है वो नवंबर बंद रहेगी. नवंबर 2024 में अपना एग्जाम होगा. अगस्त फर्स्ट वीक में अपना नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा. ठीक है, सो रफली यू हैव वन ईयर इन योर हैंड. अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो मोर देन वन ईयर का टाइम आपके पास बचा हुआ है. जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर CAT निकालना है, CAT क्रैक करना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो फिर प्रिपरेशन चालू कर दो. ठीक है, with regards to the preparation, if you want to join us, we have center in Mumbai. So classroom के लिए you can visit our center Vasai, Dadar, Thane, Borivali and Dehri. But if you are not Mumbai based, you can check out our online live classes for your all the MBA entrances. CAT के साथ दूसरे exams like CT, CMAT, SNAP and MAT अगर आप target करो तो ये exams के लिए भी preparation कर सकते हो. Okay? And yeah, do subscribe our separate channel with regards to the MBA entrance, menu और MBA entrance. यहाँ पर आपको MBA specific videos मिलेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लो. बट अगर आप ये वीडियो मेन्यूवर एजुकेशन के मेन चैनल पे देख रहे हो तो लिंक मैंने इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली गो एंड चेक इट. लाइकवाइज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट योर MBA प्रिपरेशन, आस्क फ्रॉम योर सेल्फ वाई MBA और CAT के बेसिस पे मुझे MBA क्यों करना चाहिए. थ्रू माई CAT स्कोर आई विल बी श्योरली गेटिंग दी बेस्ट MBA, टॉप वन MBA कॉलेजेस. अच्छे कॉलेज में अगर मैं एडमिशन ले रहा हूँ तो गुड एलुमनाई कॉन्टैक्ट, हाई प्लेसमेंट एंड ऑब्वियसली गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी. आपने MBA किया हुआ है ये मैटर नहीं करता है, आपने MBA किस कॉलेज से किया हुआ है ये मैटर करता है. सो एवरीवन विल आस्क, भाई तू IIM से है या तो तू FMS से है, MDI गुड़गांव से है या तो फिर SP जैन से है, जो भी कॉलेज आप मतलब टॉप नॉच इंडिया के जो कॉलेजेस है, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 कॉलेजेस. ठीक है, सो CAT के अंदर अगर मेरा अच्छा परसेंटाइल आया तो मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा. सो मेक श्योर आपका परसेंटाइल अच्छा हो, प्रिपरेशन अच्छी हो इन योर CAT एग्जाम. नेक्स्ट इज़ अबाउट दी एलिजिबिलिटी, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ ये पहले आपको पता होना चाहिए. 50% अगर आपका ग्रेजुएशन में आया हुआ है तो आप एलिजिबल हो. अगर आप कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो 45% मिनिमम ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड है. ठीक है, अब आप बैचलर, अभी आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है या कॉमर्स से किया हुआ है या तो आप इंजीनियरिंग किया हुआ है, सो दैट डजेंट मैटर, आपका मिनिमम ये परसेंटेज होना चाहिए. अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हो CAT 2024. मतलब अगर आप अपियरिंग हो तो आपका अराउंड अप्रैल या मई में फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम रहेगा आपका. अराउंड ये स्टेट वाइज वेरी करेगा, तो चेक कर लेना. अपने को डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना है बाई अगस्त तक आपको प्रोविजनल बेस पे एडमिशन मिलता है. ठीक है, जुलाई अगस्त का टाइम रफली पकड़ लो, तो उसके पहले तो अपने को सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा. CAT का एग्जाम नवंबर में होगा, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस चालू होंगे. सो CAT का स्कोर अगर अपना आता है, एवरीवन टारगेट फॉर IIM अहमदाबाद, फिर बैंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, बाकी अदर भी IIMs हैं, देन देर आर टॉप बी स्कूल्स. तो CAT में अगर स्कोर अच्छा आ रहा है देन यू विल गेट इन टू दीज कॉलेजेस. नेक्स्ट इज पेपर पैटर्न. दिस पेपर पैटर्न कीप ऑन वेरिंग, लास्ट टू ईयर से तो यही पैटर्न है, तो अपन इसी पैटर्न को कंसिडर करते हैं. अगर कुछ अपडेट आता है पैटर्न के अंदर देन विल डेफिनेटली मेक द वीडियो एंड अपडेट यू पीपल, डोंट वरी. ठीक है, सो ओवरऑल 198 मार्क्स का पेपर बनेगा. MCQ, non-MCQ दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. MCQ के अंदर एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन. नॉन MCQ के अंदर वन क्वेश्चन, नो ऑप्शन. ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है, नॉन MCQ वाले में एग्जाम कंप्यूटर बेस है, 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा. VARC में 24 क्वेश्चन, टाइमलाइन 40 मिनट्स. LRDI 20 क्वेश्चन, 40 मिनट्स अगेन. एंड क्वांट 22 क्वेश्चन, 40 मिनट्स का टाइम. ओवरऑल 66 क्वेश्चन, 120 मिनट्स में आपको ओवरऑल पेपर सॉल्व करना है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इज सिलेबस. एंड इफ यू वॉन्ट टू क्रैक CAT तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आई डोंट हैव टू अटेम्प्ट. आपको लिमिटेड अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन. क्वांट के अंदर आपका डोमिनेटिंग एरिया है अरिथमेटिक, फॉलोड बाई अल्जेब्रा. ठीक है, ये सारे टॉपिक करने हैं. नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन. ठीक है, जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है ये थोड़े से एडवांस लेवल या ट्रिकी टाइप के टॉपिक बोल सकते हो. ठीक है, बाकी ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से करना है. तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो आपकी CAT की प्रिपरेशन तो पहले अरिथमेटिक से चालू करो, और ये आएगा 8, 9, 10 स्टैंडर्ड वाला. सिर्फ क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड होंगे. तो अगर आप मैथ्स वीक है आपका, ज़्यादा ही वीक है या पैथेटिक है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम
और या तो फिर मैथ्स में स्कोर नहीं बनता, यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो पहले तो बेसिक कैलकुलेशन चालू करो। आपके मेनू के डैशबोर्ड पे जब लॉग इन करोगे यू विल गेट वीडियो ऑफ परसेंटेज, स्पीड मैथ्स एंड सिंप्लीफिकेशन। ये तीनों टॉपिक से आपका बेसिक तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हर टॉपिक को लेके कंसेप्ट पता होना चाहिए और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। आपके मैनुअल के बुक में देर आर 50 क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रैक्टिस। 8 सेट ऑफ बुक यू विल बी गेटिंग इफ यू हैव ज्वाइन मैनुअल लाइव और क्लासरूम। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टॉपिक टेस्ट लिखने हैं, फुल लेंथ मॉक। सो कैट को लेके यू विल बी गेटिंग 20 to 25 फुल लेंथ मॉक, और प्रिपरेशन के साथ एक एक मॉक लिखते जाना है पर मंथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूंगा। अब हर महीने एक मॉक लिखो, बट लिखो, मंथ एंड में लिखो, नॉट एन इशू। सो दैट इज़ वाई इन योर लेक्चर, अगर आपका मैथ्स वीक है, वी स्टार्ट विद द बेसिक फॉलोड बाई क्वेश्चन सॉल्विंग और फिर ट्रिक्स। बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज VARC। इसके अंदर मेजर क्वेश्चन आपके आएंगे RC से, फॉलोड बाई क्रिटिकल, पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड मैन आउट। ठीक है, क्रिटिकल वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे एंड दीज आर द मोर ऑफ अ पैराग्राफ्स आउट ऑफ अ क्वेश्चन। तो अगर आपका रीडिंग हैबिट अच्छा है तो आप इंग्लिश में अच्छा करोगे एंड यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल की पैसेजेस आपको एग्जाम में आएंगे, तो अपनी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए रीडिंग वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग वाइज। नेक्स्ट इज टफेस्ट सेक्शन ऑफ कैट विच इज नथिंग बट LRDI। DI के अंदर ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने एंड लॉजिक को लेके ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर वेल। ओके, इस सेक्शन में अपना स्कोर मतलब कट ऑफ निकल जाए बड़ी बात है, मैक्सिमाइज स्कोर नहीं होगा भाई। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दो सेट आपके DI के आएंगे, दो सेट आपके LR के आएंगे। दिस इज़ द टफेस्ट सेक्शन। तो 20 में से अगर आपने 10 राइड कर लिया तो मतलब तो आप 99.99 के आसपास परसेंटाइल आपका बनेगा, 99 प्लस तो आराम से बनेगा। ठीक है, तो आपका जो स्कोर मैक्सिमाइज होगा वो होगा क्वांट के अंदर एंड वर्बल के अंदर। यहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर करोगे, मिनिमम 85 इज़ द कट ऑफ फॉर द IIMs। एट 85 से 90 के प्लस का कट ऑफ अपना मिनिमम बनना चाहिए, उसके ऊपर अपना जितना आ रहा है परसेंटाइल विच इज़ बोनस। ठीक है, अगर आपका LRDI अच्छा है, आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी खासी लगेगी एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग काइंड ऑफ अ सेक्शन। ऑलराइट, सो प्रिपरेशन वाइज इफ यू टॉक अबाउट, मार्च तक आपके मेजर एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मार्च इज़ फॉर CET, CMAT भी मार्च या तो फिर आप अप्रैल के आसपास पकड़ लो। ऑल्सो अपडेट विल कम, विल मेक द वीडियो CMAT को लेकर के। ठीक है, कैट का एग्जाम होगा अपना नवंबर में। ठीक है, तो जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ये पूरा जैन से लेके मार्च तक का मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, दिस इज़ व्हाट 2024। तो इसके पहले लाइक अगर आप अक्टूबर से नवंबर दिसंबर 2023 से आपकी पढ़ाई चालू कर रहे हो, सो वेल एंड गुड। ठीक है, जितना टाइम मिलेगा अपने को, जितना आप जल्दी पढ़ाई चालू करोगे उतना गलती करके उसको इम्प्रोवाइज़ करने का टाइम अपने को अच्छा खासा मिल जाएगा। सो कैट के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स लाइक यू कैन राइट CET, यू कैन राइट स्नैप, यू कैन राइट CMAT, TIS का भी एग्ज़ाम HR के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो TIS इज़ गुड, ZAT हो गया, IFT हो गया, NMAT हो गया। NMAT आपका सबसे पहला एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम तीन बार लिख सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, लाइक वाइज स्नैप का भी मल्टीपल टाइम्स यू कैन राइट एंड दूसरे एग्ज़ाम्स। तो अगर आप कैट लिख रहे हो और मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एग्जैक्टली एक साल तक का टाइम बचा हुआ है, एक साल से थोड़ा ज़्यादा बोल लो, बट डिसेंट टाइम है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैट निकालना है, 99 प्लस परसेंटाइल लेके जाना है, तो आपको हर सेक्शन पे अच्छे से काम करना पड़ेगा विदाउट फेल। तो आप अपना रूटीन डिफाइन करो, मंथ वाइज टारगेट डिफाइन करो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मंथ वाइज प्लानिंग को लेके मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रेटजाइज योर प्रिपरेशन। बट हाँ, क्या क्या चीज़ें आप आज से चालू कर सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। थिंग्स टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, न्यूज़पेपर रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो है द हिंदू, और इसका एडिटोरियल तो अच्छे से रीड करना। ये लेवल का इंग्लिश आपके RC में बनेगा। इनिशियली आप एडिटोरियल पढ़ोगे, बाउंसर जाएगा, 50-60% डेटा समझेगा, बाकी नहीं समझेगा, I am okay, बट ग्रेजुअली आप कोप करना चालू करोगे। RC सॉल्विंग, एक RC डेली बेसिस पे सॉल्व करना चालू कर दो, या तो ऑलरेडी डे बेसिस पे चालू कर दो। आपके मैनुअल की बुक में RC है, प्लस आपके डैशबोर्ड पे 500 क्वेश्चन का हैंडआउट है, वो ख़त्म करो। बेसिक ऑफ ग्रामर पता होना चाहिए, अगेन यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम मैनुअल डैशबोर्ड एंड हैंडआउट्स आर देयर। वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी, मैनुअल के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग ऑल द वर्ड पावर मेड इजी का वीडियो, यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम देयर। और अगर आपके पास ये बुक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लेवल की, 150-100 रुपीज़ की आती है, प्लीज़ ऑर्डर दिस बुक एंड ये बुक को कर लेना। मैथ्स की बेसिक थियरी, एज आई मेंशन अर्लियर,
परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स, ये तीन टॉपिक को करके ख़त्म करो और हर टॉपिक को लेके आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेलेक्शन प्रोसेस। तो कैट के अंदर सबसे पहले तो कैट का स्कोर, दैट इज़ अ स्टेज वन, इसमें अच्छा परसेंटाइल आया अपना। उसके बाद आपका स्टेज टू होगा, वो वैट भी हो सकता है, जीडी, पीआई, तो हर कॉलेज वाइज ये वैरी करेगा, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में तीनों है, हर कॉलेज में वो वैरी करता है, ठीक है। बट या देयर विल बी टू स्टेज, स्टेज वन एंड स्टेज टू। सो अलॉन्ग विथ योर कैट प्रिपरेशन, एमबीए एंट्रेंस प्रिपरेशन, आपके वोकल इंग्लिश पे भी काम करना चालू कर देना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटरव्यू सारे इंग्लिश में होंगे। नॉलेज के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन भी टेस्ट करेंगे वो, दैट इज़ वाई पेज वन पढ़ना ही पढ़ना है न्यूज़पेपर का, जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा। कितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे और कितना परसेंटाइल मेरा बनेगा, ये मैंने लिस्ट दे दिया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल 66 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने आधा क्वेश्चन भी अटेंड किया, 31 प्लस क्वेश्चन अगर आपने राइट किया, तो 99.50 परसेंटाइल, मतलब 33 क्वेश्चन अपने राइट हो गए, रफली 100 मार्क्स, तो 99.99 परसेंटाइल बनेगा आपका एग्ज़ाम में। तो ये मैंने ओवरऑल कट ऑफ भी दे दिया है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कट ऑफ की तो, और ये कट ऑफ को आप प्रिंट आउट लेके स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी, ठीक है। तो अगर आपने 20 प्लस क्वेश्चन राइट हुए, मैं राइट की बात कर रहा हूँ, मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये राइट होने चाहिए, ठीक है, तो ये परसेंटाइल बनेगा आपका। 99 प्लस परसेंटाइल के लिए 30 के आसपास या 29 प्लस क्वेश्चन अपने को राइट करने हैं। सो फिक्स योर टारगेट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द कैट 2024। एंड इफ यू हैव जॉइन मेन्यूवर, सो दिस इज वॉट द टूल्स वी यूज बिफोर यू कम फॉर द क्लास, इधर लाइव और द क्लासरूम, वॉच द रिकॉर्डेड वीडियोज। स्टेप टू, classroom lectures or the live lecture whichever you have joined. Step 3, practice the question from your book and then write the topic test. This is what the 4-step preparation we do for all the topic from all the sections, okay? So you are the driver of your own career journey. So try to be the best driver so that we can perform well in CAT and get into the best MBA colleges for our career. All the best. Thank you.